सीएम मनोहर लाल ने दक्षिण हरियाणा को लेकर एक बड़ी सौगात देते हुए महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय के रीजनल अनुसंधान केंद्र की आधारशिला रखी है। और इसके अलावा सीएम ने लोहासा विश्वविद्यालय हिसार के 9 करोड़ की लागत से बनने वाले लोहारू के बहेल के पशु विज्ञान केंद्र की आधारशिला भी रखी तथा 36 करोड़ रूपये की लागत से 16 डिस्ट्रीब्यूट के का भी शिलान्यास करते नजर आए हैं। ये तस्वीरें आप लोहारू की देख रहे हैं, जहां पर कई परियोजनाओं का शिलान्यास जो है वो सीएम मनोहर लाल करते हुए नजर आए हैं। और साथ ही साथ सीएम मनोहर लाल ने लोहारू की जनता, वहां के निवासियों को एक बड़ी सौगात भी दी। दक्षिण हरियाणा को बड़ी सौगात देते हुए यहां पर सीएम खुद नजर आए और साथ ही साथ दक्षिणी हरियाणा को लेकर जो पार्टी है वो फोकस करती हुई नजर आ रही है और कई परियोजनाओं का भी यहां पर शिलान्यास किया गया है। आगे बढ़ेंगे, बात जिनकी करेंगे, जहां पर एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। ग्रामीणों ने पुलिस के ऊपर हमला किया है और डिटेक्टिव स्टाफ को लेकर हमला किया है, घुसकर उसके अंदर हमला किया और हमले में आधा दर्जन पुलिसकर्मी घायल, जिसके बाद 6 महिला सहित 17 लोगों को गिरफ्तार किया। 2 आरोपियों को छोड़ने के लिए ग्रामीण पहुंचते हुए नजर आए थे। ये बड़ी खबर आपको जिनसे बता रहे हैं, 2 आरोपियों को छुड़वाने को लेकर जो गांव वाले थे वो पहुंचते हुए नजर आए और ये बड़ा हमला पुलिस के ऊपर करते हुए नजर आए। डिटेक्टिव स्टाफ में घुसकर ये हमला किया गया और हमले के अंदर आधा दर्जन पुलिसकर्मी घायल हुए। इसके बाद पुलिस एक्शन में आई, 6 महिला सहित 17 लोगों की गिरफ्तारियां इसमें की जा चुकी। ये बड़ी खबर आपको जिनसे बता रहे हैं, ग्रामीणों ने पुलिस पर हमला किया, यानी कि कानून व्यवस्था के साथ सीधे तौर पर जिनके ग्रामवासी जो है वो खेलते हुए नजर आए और हमले में आधा दर्जन से ज्यादा पुलिसकर्मी गिरफ्तार हुए। एक्शन मोड में पुलिस आई, 6 महिला सहित 17 लोगों को गिरफ्तार किया। आगे की कार्रवाई अब पुलिस कानूनी तहत करती नजर आ रही है। ये तस्वीरें आप देखिए, ये जिनकी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर 2 लोगों को छुड़वाने के लिए जिंद के जो ग्रामवासी थे वो पुलिस के पास गए, उनके ऊपर हमला किया, डिटेक्टिव स्टाफ में घुसकर ये हमला किया गया है और आधा दर्जन पुलिसकर्मी इस हमले में घायल बताए जा रहा है। यानी कि आप कल्पना कीजिए कितना बड़ा ये हमला हो सकता है और कितने बड़े पैमाने पर यह हमला किया गया होगा। इसके बाद पुलिस एक्शन मोड में आई और पुलिस जैसे ही एक्शन मोड में आई, उन्होंने 6 महिला सहित 17 लोगों को इसके ऊपर गिरफ्तार किया है और आगे की कार्रवाई कानूनी तरीके से अब पुलिस करती हुई नजर आ रही है। इससे पहले 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया था, उनको छुड़वाने के लिए पुलिस स्टाफ के ऊपर ही ग्रामीणवासी जो है हमला करते हुए नजर आए और हमले में सीधे तौर पर जो 6 पुलिसकर्मी थे, आधा दर्जन पुलिसकर्मी जो थे वो घायल होते हुए नजर आए। और इसके बाद पुलिस भी एक्शन मोड में आई, पुलिस ने आगे की कार्रवाई की, 6 महिलाओं को और महिला सहित 17 लोगों को गिरफ्तार किया है। आगे की कार्रवाई अब पुलिस करती हुई नजर आ रही है। हमारे संवाददाता परमजीत जिनसे इस खबर के ऊपर जुड़ चुके हैं। परमजीत, अगर बात की जाए, ये एक हमला बड़ा हमला कह सकते हैं, अगर इतनी कानून व्यवस्था के साथ खेलने की गांव वालों की आदत बन जाएगी तो कानून की धज्जियां उड़ती हुई नजर आएंगे। परमजीत बिल्कुल, देखिए ये जो मामला सामने आया है, जो सीए स्टाफ है, डिटेक्टिव सीए स्टाफ है, उसके साथ जो है मारपीट की गई है। कल रात का ये मामला है, देर रात। हालांकि देखिए, पहले जब ये पूरा मामला आपको समझाता हूँ मैं, ये पहले जो है जो आरटीओ है उसकी गाड़ी के अंदर जीपीएस लगाया गया था, तो वो उसकी लोकेशन जो है, जो बड़े वाहन है जो वो चालान करते हैं, तो लोकेशन ट्रेस हो जाती थी, तो वो दूसरे रास्ते से निकाल लेते थे, तो उन्होंने कंप्लेंट दी। उसके बाद जो है पुलिस एक्शन मोड में आई, तो जो दो दोषी थे इसमें, तो उनको गिरफ्तार किया गया। उसको छुड़वाने के लिए जो है गांव वाले वहां पे
पुलिस पार्टी पर उन्होंने हमला किया, जिसमें कुछ जो पुलिस के जवान हैं वो जख्मी हुए, और फिलहाल जो है पुलिस के 6 महिलाएं सहित और 11 लोग यानी टोटल 17 लोगों पर मुकदमा दर्ज कर आज जेल भेज दिया गया है। जी बिल्कुल परमजीत, अगर बात की जाए पुलिस अधिकारियों के ऊपर, पुलिस कर्मचारियों के ऊपर इस तरह के हमले होना ये सामान्य बात नहीं है। इसके बाद पुलिस किस तरह से एक्शन मोड में आई है, और अगर आप अपडेट हो पाए हो किन धाराओं के तहत अब इन 17 लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया? बिल्कुल, देखिए अभी की बात की जाए तो जो मैंने आपको बताया कि टोटल 17 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। ये प्रतियोगिताएं जो हैं और जहाँ ये हो रही हैं, ये सारा जो है हमारे गांव के जो हमारे बच्चे हैं और खास तौर से सुभाष, इसकी सारी टीम है, ये इनकी देन है और ये खुद ही सारा इसका आयोजन करते हैं। मैं बच्चों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ, और आज के दिन जो आज बहुत ही एक पावन पर्व के तरह मनाया जाता है, आप जानते हो कि जन्माष्टमी कल पूरा हुई है, पूरी कृष्ण जी का जन्म का था और आज जो है गुगा जी का जो है महोत्सव मनाया जा रहा है, तो ये बहुत ही पावन पर्व के ऊपर ये खेल कूद जो करवाए जा रहे हैं, ये नौजवान बच्चों को सही दिशा के अंदर जो है लेके जाने के लिए स्पोर्ट्स बहुत ही जबरदस्त अनिवार्य है। एक बड़ी खबर पानीपत से आ रही है, आपको बताएं जहां पर सन्यासी बाबा की पीट पीट कर हत्या का मामला निकलकर सामने आया है, और शुकनाथ डेरे के ऊपर यह हत्या की गई। क्षेत्र में दहशत का माहौल बना हुआ है और भक्तों में रोष जो है वो दिखाई दे रहा है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, क्षेत्र के अंदर दहशत का माहौल बना हुआ है और भक्तों ने अपना रोष जो है वो भी व्यक्त किया है। हमलावर डेरे में घुसे और वहां पर हमला करते हुए नजर आए, सन्यासी बाबा की पीट पीट कर हत्या की है। बड़ा सवाल ये कि आखिर सन्यासी बाबा की पीट पीट कर हत्या क्यों की गई, और जो पूरा माहौल है अब वो दहशत में कन्वर्ट होता हुआ बदलता हुआ नजर आ रहा है। आपको जानकारी दें, ये बड़ी खबर है पानीपत से, ये तस्वीरें देखिए, विजुअल जो है आ चुके हैं, और इसको लेकर जो भक्त हैं उनके अंदर काफी रोष जो है वो पैदा होता हुआ नजर आ रहा है कि आखिर सन्यासी बाबा को पीटने की क्या जरूरत थी, और पीटा भी इस हद तक गया है कि उनको पीट पीट कर मार दिया गया। खेत मेरे पास रहता था, बाबा जगह ताऊ गुरु जी थे, मेरे ताऊ गुरु थे ये, और गांव हमारे तो किसी के साथ बहस भी नहीं थी कोई। हमारा बाबा जी आके रुक रहा था, वो गढ़पीर वो सन्यासी महात्मा, उसके साथ उनको वो खनर बह रखा था, उसने उसको पीटने के लिए आए थे हमारे बाबा जी, उसको छुटवा रहे थे शेर और खनरा के बीच में जंगल का, वहाँ एक कुटिया बनी हुई है महाराज जी रहते हैं, वहाँ महाराज जी ने चोट मार के कोई डेड हो गया वहाँ महाराज जी, ऐसी सूचना मिली जो हमने थे पूछे थे, तो वो कार्रवाई हो गई। कुछ बताया सर कि आरोपी कौन था सर, कुछ पता लगा अभी तक? देखो अभी तो नहीं। पानीपत से हमारे संवाददाता धर्मजीत जी जो है वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धर्मजीत जी, अगर बात की जाए सन्यासी बाबा की पीट पीट कर हत्या करने का मामला निकलकर सामने आ रहा है, क्या कुछ अपडेट है और क्या है ये पूरी खबर? जी आपको बता दें कि ये मेहमत लोडा जो कस्बा है वहाँ पर एक गाँव पड़ता है तेरा गाँव, वहाँ पर सुखनाथ बाबा की समाधि है, वहाँ पर एक कुटिया बनी हुई थी, वहाँ पर बाबा सोमनाथ और एक बाबा अपने परिवार को छोड़कर रामफल जिसका नाम है वो बाबा बन गए थे, और वो दोनों ही वहाँ पर सो रहे थे। सुबह की बात है, आज 5:30 के करीब की बात है ये, तो इसके रिश्तेदार बताए जा रहे हैं जो अपने परिवार छोड़कर जो बाबा बना था रामफल, उसके रिश्तेदार वहाँ पे आए और उन्होंने रामफल बाबा को पिटना शुरू कर दिया। वहाँ पर दो दूसरे बाबा थे जिसकी उम्र 65 वर्ष है सेवानाथ, वो उनको छुड़वाने लग गए, जिसके चलते जो रामफल बाबा है वो तो वहाँ से फरार हो गया, और रिश्तेदारों ने सेवानाथ बाबा जिसकी उम्र 65 साल है डंडों से हमला कर दिया, बुरी तरह उसकी पिटाई की, जिसके चलते उसकी मौत हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस मतलोडा पुलिस वहां मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लिया। फिलहाल बताया जा रहा है कि जो रामफल बाबा के रिश्तेदार है उन पर पुलिस लगातार दबिश दे रही है और उनको पकड़ने की कोशिश की जा रही है। हाँ धर्मजी जी, एक और महत्वपूर्ण सवाल आपसे समझना चाहेंगे इस खबर को लेकर, क्या इससे पहले भी इस तरह के हमले जो है वो बाबा के ऊपर होते हुए नजर आए थे, या ये पहला हमला था और इसी हमले में पीट पीट कर उनको मार दिया गया? जी आपको बता दें कि जो रामपल है जो अपने परिवार को छोड़कर जो बाबा बने थे वो यहाँ पे आए हुए थे, डेरे के पास सेवानाथ के पास आए हुए थे, बाबा जी के पास रहने लगे थे, वो पिछले 4-5 दिन से इनके पास ही रह रहे थे। जैसे ही रामफल के रिश्तेदारों को पता लगा कि रामफल यहाँ पे आया हुआ है शेरा गांव के पास जो शुक्रनाथ बाबा की जो
समाधि है वहां पर, कुटिया वहां पे आया भाई उसके चलते आज सुबह वहां से लाठी डंडे लेकर वहां पहुंचे और उन्हें रामफल जो बाबा बना हुआ उस पर हमला कर दिया। वो तो वहां से छुड़वा के भाग गया, पर उसको छुड़वाते वक्त जो बाबा सेवानाथ जिनकी उम्र 65 साल थी उन पर उन्होंने हमला कर दिया जिसके चलते उनकी मौके पर ही मौत हो गई। हाँ, और साथ ही साथ धर्मजी जी अगर बात की जाए पुलिस को लेकर, पुलिस का कैसा रवैया है और किस तरह से जो है कार्रवाई करते हुए नजर आ रहे हैं? जी, पुलिस को सूचना मिलते ही थाना मतलब पुलिस मौके पहुंच गई, सीए की टीमें वहां पे पहुंच गई थी, एफसीएल की टीमों ने वहां से सबूत जुटाए हैं। फिलहाल सीए की टीम लगातार दबिश दे रही है और पुलिस का कहना है कि आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। चलिए धर्मवीर जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए, बातचीत करने के लिए। हमारे संवाददाता धर्मवीर जो है वो पानीपत से जुड़े और विस्तार पूर्वक खबर के बारे में बताते नजर आ रहे थे। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे प्रदेश के अंदर भारतीय किसान यूनियन ने किसान मजदूर कर्ज मुक्ति आंदोलन की शुरुआत कर दी है और आंदोलन को मजबूती देने के लिए बाकायदा भारतीय किसान यूनियन प्रदेश के 1 लाख किसान क्रांति वीरों की भर्ती करेगी और ये जानकारी रादौर में आयोजित किसान पंचायत की बीक्यू प्रदेश अध्यक्ष रतन मान ने दी है। और इसके अलावा उन्होंने देह श्यामलात और मुश्तक रका मालकन भूमि को लेकर भी सरकार को चेतावनियां देते हुए ये कहा कि किसान की किसी भी कीमत में अपनी इस जमीन को सरकार के कब्जाने नहीं देने वाली है। और वहीं उन्होंने नारा देते हुए कहा कि जो कर्ज मुक्त करेगा वही देश पर राज करेगा। किसान पंचायत से आज पूरे प्रदेश में किसान मजदूर कर्ज मुक्ति आंदोलन की, जो पहाड़ का क्षेत्र है, घाट का क्षेत्र है, वहां से हम शुरुआत करने जा रहे हैं भारतीय किसान यूनियन की तरफ से। और ये कर्ज मुक्ति का आंदोलन पूरे प्रदेश में जाएगा और इसके साथ साथ जो श्यामला दे है, मुस्तका मालकान है, आबादी है, पट्टी दे है, आबादी दे, बहुत सारी ये 8-9 किस्म की जो जमीन है जिस पर सरकार अपनी निगाह गड़ाई हुई है इसको छीनने के लिए, उसके लिए भी आज वहां आह्वान किया जाएगा। चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम शहीद भगत सिंह के नाम पर करने को लेकर हरियाणा और पंजाब सरकार में आपसी सहमति बन चुकी है। और आपको जानकारी दें कि हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने शनिवार को चंडीगढ़ में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान से मुलाकात कर एक नया नाम शहीद भगत सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट रखने की सहमति बनाई। इसको लेकर डिप्टी सीएम ने कहा कि चंडीगढ़ एयरपोर्ट के निर्माण और आधुनिकीकरण में हरियाणा सरकार और पंजाब सरकार के साथ हरियाणा प्रशासन यानी कि चंडीगढ़ प्रशासन का बहुत ही बड़ा योगदान शामिल है और विस्तार के बाद यह एयरपोर्ट इस क्षेत्र के विकास और औद्योगिकरण को बढ़ावा देता हुआ नजर आएगा। उन्होंने कहा कि इसके निर्माण में हरियाणा की बराबरी की हिस्सेदारी रही है, इसलिए इसके नाम में पंचकुला शहर का नाम भी जोड़ा जाना चाहिए और इस पूरे बारे में हरियाणा की ओर से सिफारिश पंजाब सरकार को भेज दी गई है और केंद्र सरकार से भी इस विषय का आग्रह किया जाएगा और चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम बदला जाए। इसको लेकर शहीद भगत सिंह एयरपोर्ट अब नाम होने वाला है और पंजाब और हरियाणा के बीच जो है वो सहमति बनती नजर आ रही है। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, ताजा खबरों के लिए आप लगातार देखते रहें हर खबर।